देवानंद ने राजनीतिक दलों को सबक सिखाने के लिए नई राजनीतिक पार्टी बना ली, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा? फिल्मी सितारों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। कई सितारे तो ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति में आकर नेताओं से भी ज्यादा कामयाबी हासिल की, तो वहीं कुछ सितारों का राजनीति करने का सपना सपना ही रह गया। सदाबहार अभिनेता देवानंद ने ईयर 1977 में राजनीति में आने का फैसला किया, तो इंदिरा गांधी के कट्टर आलोचक रहे राम जेठमलानी ने उन्हें जनता पार्टी में शामिल होने के लिए मना लिया। देव साहब जय प्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को पसंद किया करते थे। देव साहब से इंदिरा और संजय गांधी के खिलाफ प्रचार करने का आग्रह किया गया। उन्होंने मंच से इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रामक भाषण भी दिया और जनता ने चुनाव में जनता पार्टी को ही विजयी बनाया। लेकिन देव साहब का राजनीति से, या यूं कहें कि राजनीति से अधिक जनता पार्टी के प्रयोग से मोह भंग होने लगा। राजनीतिक दलों के प्रति उनके मन में गुस्सा था। मोरारजी देसाई और चरण सिंह की सरकार गिर चुकी थी और आम चुनाव का ऐलान भी हो चुका था। देवानंद ने राजनीतिक दलों को सबक सिखाने के लिए अपने दम पर राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। देव साहब ने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम से अपनी पार्टी बनाई। उनके समर्थकों में जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल थीं। मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली की सफलता के बाद इंदिरा गांधी ने देव साहब के पास मिलकर काम करने का संदेश भिजवाया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तब देवानंद के हौसले काफी बुलंद थे, उनकी नीयत साफ थी, लेकिन पहला झटका उन्हें नानी पालकीवाला और विजय लक्ष्मी पंडित के रूप में लगा। दोनों ने ऐन वक्त पर उनके टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दूसरा झटका उनके करीबियों ने उनके घोषणा पत्र पर सवाल उठा कर दिया। कहा गया कि ये व्यावहारिक नहीं है। कुछ प्रभावशाली लोगों ने चुनाव के लिए फंड का भरोसा दिलाया था, लेकिन वे भी पीछे हट गए। देवानंद को अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवार खोजने में परेशानी होने लगी। वो अंदर ही अंदर टूटने लगे। उनके अंदर का जुनून कमजोर पड़ने लगा। इस तरह जिस पार्टी के दम पर देव साहब देश को बदलने का सपना देख रहे थे, उसका सफर बिना चुनाव लड़े ही समाप्त हो गया।